ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए ऑल न्यू यामा FZS 2.0 का जो डार्क नाइट कलर है उसी का आप ये एक्चुअल शोरूम लुक देख रहे हैं। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी अभी 2018 में जो डुअल डिस्क वेरिएंट है तो केवल अर्माडा ब्लू कलर में ये अवेलेबल थी, लेकिन अब आपको ये डार्क नाइट वेरिएंट में भी अवेलेबल हो गई है। एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा ये वेरिएंट, आपका जो अर्माडा ब्लू कलर से अराउंड 1000 रुपये एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अगर आप ये लेना चाहते थे तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन साइट्स में शॉर्ट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी अगर आप वीडियो पूरा देखते हो, जैसे कि आपको हमेशा आपको मेरे हर वीडियो में मिलती है। स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, इसका टॉर्क है, माइलेज है, सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कोई क्वेरी होती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसको मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा जैसे हमेशा अपने वीडियो में करता हूँ। यहाँ पे इसका आप जो फ्रंट लुक है वो देख रहे हैं तो कंप्लीट आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे इसके फ्रंट का मिल गया होगा। चलते हैं इसके हेडलैम्प्स की तरफ। तो ये आपको कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिलते हैं, मतलब कि जो हेलोजन बल्ब्स होते हैं, यहाँ पे आपको LED वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो आपका पायलट लैम्प है वो भी अवेलेबल है, जो आपके इंडिकेटर हैं ये भी आपके कन्वेंशनल बल्ब्स प्रोवाइड किए गए हैं। इधर आप देखते हैं इसका फ्रंट, तो आपको मिलती है यामा की ब्रांडिंग और इसका जो फ्रंट है बोल सकते हैं रोबोटिक वे में लगता है थोड़ा सा, जो मुझे यहाँ पे फील आ रहा है देखने में। साइड में बात करते हैं इसके ग्राफिक्स की, तो ये सिल्वर फिनिश के ऊपर दिए गए हैं और आपको ये कैसे लग रहे हैं ज़रूर शेयर करिएगा अपने व्यूज़ कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। चलते हैं दोस्तों नीचे और जो इसके व्हील्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डिस्क ब्रेक है वो अवेलेबल है, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। डुअल डिस्क वेरिएंट है तो अभी पीछे वाला डिस्क भी देख लेंगे। बाकी जो आपके व्हील्स हैं आपको मिलते हैं इसमें अलॉय, आप देख सकते हो MRF के व्हील्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। चलते हैं दोस्तों साइड में और जिसका साइड लुक है वो आप कम्प्लीटली यहाँ पे देख लो पूरा, तो आपको अच्छे से पूरा डार्क नाइट वेरिएंट का आइडिया लग जाएगा। जो पूरा कलर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो पूरा मैट फिनिश यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और बोल सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश बाइक लग रही है। स्पेशली जो ग्राफिक्स हैं यहाँ पे जो सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं, FZS की ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो नीचे टैंक के एक्सटेंशन हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं बाइक को। इंजन कंपार्टमेंट की दोस्तों अगर बात करते हैं तो आपको ये डुअल टोन में दिया गया, जैसे आप देख नीचे जो डस्की फिनिश है, जैसे कि जो बॉडी है मैट फिनिश पे वैसी मैट फिनिश यहाँ पे, और बाकी जो ग्लॉसी फिनिश है दो टोन मतलब इस्तेमाल की गई हैं। चलते हैं थोड़ा सा पीछे, तो ऐसा सच यहाँ पर आपको कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं मिलती, बहुत ही क्लियर पूरा जो इसका साइड्स हैं वो दिए गए हैं। पीछे का जो आप सस्पेंशन है वो देख सकते हो, तो आपको इसमें मोनो सस्पेंशन प्रोवाइड किया गया है, तो एक बढ़िया चीज़ है ये। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देखते हैं अपना जो रियर डिस्क ब्रेक है, जैसे मैंने आपको आगे बताया था पूरी आपकी सेफ्टी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है कंपनी ने। इधर आप अपना जो एग्जॉस्ट देखते हो बहुत ही स्टाइलिश एग्जॉस्ट दिया गया और दो फिनिश में मिलता है, सिल्वर फिनिश और जो पूरी ये ब्लैक एंड फिनिश है, इसके बारे में आपका दोस्तों क्या सोचना है ज़रूर बताइएगा। बहुत ही स्पोर्टी फीलिंग आती है जब आप इसको देखते हो। चलते हैं दोस्तों बाइक के पीछे और जो इसका बैक प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका जो टेल लैम्प क्लस्टर है, आपके जो इंडिकेटर है, सब कुछ आपको मिलता है कन्वेंशनल, यहाँ पे आपको कुछ भी LED वगैरह अवेलेबल नहीं है। आगे शायद जब भी जो वेरिएंट्स लॉन्च होंगे तो उसमें शायद आपको LED वगैरह प्रोवाइड किया जाए, तो वेट करेंगे उस वेरिएंट के लिए भी। यहाँ पे आप इसका व्हील एरिया एक बार फिर से नीचे इधर से भी देख सकते हो, तो आपको अच्छे से पूरा इसका डिज़ाइन का आइडिया लगेगा। यहाँ पे थोड़ा आगे तक मैं आपको पूरा शो कर देता हूँ, तो लगभग मैंने आपको पूरी बाइक शो कर दी है फ्रंट से, साइड से, बैक से। अब जो इसका अपर पार्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा इसके अपर का भी। जो आपके ग्रैब हैंडल हैं आपको मिलते हैं बाइफरकेटेड वे में, सिल्वर फिनिश में ये दिए गए हैं। सीट्स भी आप देखते हो तो आपको डिवाइडेड सीट्स यहाँ पे मिलती हैं, पिलियन के लिए जो सीट है काफ़ी हाइटेड मिलती है। कुशनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी जो लोग भी FZS चला रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है वो ज़रूर शेयर करें कि आपको सीटिंग कैसी लगती है, कंफर्टेबल लगती है कि नहीं लगती। जैसे मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि एक रियल लाइफ कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है तो वो बहुत बढ़िया रहता है। बाकी यहाँ पे आप देखते हैं आपका जो फ्यूल टैंक है लगभग आपको दो टोन में प्रोवाइड किया गया है, जो मैंने आपको मैट फिनिश यहाँ पे दिखाई थी। बाकी जो ग्लॉसी फिनिश है, ब्लू कोर की जो लेबलिंग है, जो यामा की एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी है, वो भी आपको इस बाइक में प्रोवाइड की गई, जो एक अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आप देख रहे हैं, तो आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे दिया जाता है, और इसको जल्दी से ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। पहले जो नॉर्मल सिग्नलिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हर बाइक में आपको मिलती है वो आप देख रहे हो। बाकी जो आपका RPM मीटर हो गया, स्पीडो मीटर हो गया, फ्यूल गेज हो गया, ओडोमीटर हो गया, इसके अलावा बंद करके फिर से चालू कर लेते हैं तो देख लेते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि नहीं है। तो लगभग जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे शेयर कर दी है। जो इसकी लाइट यहाँ पे यूज़ करी गई है बोल सकते हैं कि रेड फिनिश पे हल्की सी लगती है, काफ़ी इसको अच्छा लुक देती है और एक स्पोर्टी फील देती है। हैंडल्स की दोस्तों बात करते हैं, तो आपका जो पास लाइट है, आपका जो हाई बीम लो बीम है, आपका जो इंडिकेटर है, आपका जो हॉर्न है, इस साइड आपका जो इंजन किल स्विच है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि लोग अक्सर बोलते हैं हॉर्नेट में जो किल स्विच है वो नहीं दिया जाता है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं ये चीज़ ज़रूरी होती है और कंपनी ने ध्यान रखा है और दी गई है। यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो।
यहाँ पे जो इसकी की है वो भी आप देख लीजिए, तो की भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी से प्रोवाइड की गई, दो आपको कीज़ यहाँ पे मिलती हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको इस बाइक के बारे में जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी सब कुछ शेयर कर दिया है, बाइक का वो जो पूरा लुक था वो भी अच्छे से दिखा दिया है। आपको दोस्तों ये बाइक कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट्स में कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक लिए दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।